नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मेरे साथ में है विवेक मेहरा, 55 ईयर ओल्ड मिल। क्या होता है विवेक जी? आप जब मैं ट्रैवल करता हूं करीब 200 मीटर या 300 मीटर, तो जब रुक जाता हूं उसके बाद मेरे सेंटर में पेन होता है। पहले ये फ्रीक्वेंसी कम थी, बट अभी करीब एक महीने से डेली 4-5 बार ऐसा हो जाता है। तो हर बार ही चलने में अगर आपको तकलीफ हो रही है और दिन में 3-4 बार हो रही है, इसे हम अनस्टेबल एंजाइना बोलेंगे। हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं। ऐसे में क्योंकि 200 मीटर में ही तकलीफ होती है, तो ट्रेडमिल करना खतरनाक हो सकता है। डायरेक्ट एंजियोग्राफी करेंगे, फिर आपकी इसके बारे में डिसाइड करेंगे। सिगरेट पीते हैं? नहीं सर। शराब पीते हैं? नहीं सर। क्या खाते थे आप ज्यादा? आप चीनी चावल मैदा कितना खाते थे आप? चीनी तो नॉर्मल 1 चम्मच चाय पीते हैं बस दिन में। दिन में कितनी बार अनाज खाते हैं? 2 टाइम रोटी खाते हैं। 2 टाइम खाते। क्या काम करते हैं आप? मैं यूज कार में हूँ, कार के सेल परचेज। कार के सेल परचेज में कितना कमाते हैं आप? 25,000। घर में कौन कौन है आपके? मैं हूँ, वाइफ है, मदर है, 2 बच्चे। घर में वाइफ है, मदर है और 2 बच्चे। और घर में कौन कौन कमाता है? अभी तो कोई भी नहीं कमाता है। दिल्ली सरकार की स्कीम के अनुसार में अगर आप दिल्ली के अंदर में 3 साल से ज्यादा रह रहे हो और अगर आपकी तनख्वाह, सालाना तनख्वाह फैमिली की 3 लाख से कम है, तो इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अंदर में माना जाता है बाय डेफिनेशन। इनकी हम एंजियोग्राफी के लिए भेज रहे हैं, फिर आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। थैंक यू।